एवरीवन, आपका मेरे चैनल द कैनेडियन टॉक्स पे स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कनाडा जाने के लिए अपने बैग में पैक करनी है, जो चीज़ें आपको हेल्पफुल होने वाली हैं वहाँ जाके, और ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस बेल वाला जो बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट आप मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो देख पाएँ और आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। सो पैकिंग में सबसे पहले आपके पास जो आइटम होनी चाहिए वो है आपका पासपोर्ट और आपका लाइसेंस। ये जो दोनों जो डॉक्यूमेंट है आप अपने साथ जरूर रखिएगा। पासपोर्ट तो आपको पता है रिक्वायर्ड रहता है, प्लस लाइसेंस भी अपने साथ रखिएगा, सो दैट आपको वहां जाके अगर लाइसेंस बनवाना पड़े तो किसी भी चीज की जो है वो प्रॉब्लम नहीं आए, और हो सके तो अपना आधार कार्ड जो है वो भी साथ में कैरी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको जो आइटम चाहिए वो है आपकी टिकट। आप अपनी एयर टिकट जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि वो आपको एंट्री के टाइम पे वहां पे जो है वो जरूरत पड़ेगी, तो उसको अपने बैग में जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आइटम आपको चाहिए वो है आपकी मेडिसिन। कोई भी अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं या कोई भी आप मेडिसिन परमानेंट लेते हो तो आप वो मेडिसिन जरूर अपने पास रखिएगा। प्लस आप दूसरी जैसे नॉर्मल फीवर की हो गई या थर्मोमीटर हो गया या फिर मूव हो गई या कोई भी ऐसी चीज है जो आपको इन फ्यूचर जरूरत पड़ सकती है, कोई भी मौसम के बदलाव के कारण या कुछ भी अगर आपको हेल्थ इश्यू कभी नॉर्मली रहता है तो मेडिसिन जरूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि वहाँ की मेडिसिन थोड़ी लाइट होती है और यहाँ की मेडिसिन से हम थोड़े फेमिलियर होते हैं, तो आप अपनी वो एक किट जो है वो ज़रूर बनवाइएगा। नेक्स्ट आपको जो आइटम चाहिए वो है आपकी फ़ोन की एसेसरीज। फ़ोन में अगर आप चार्जर यूज़ करते हैं या फिर आप अपने एयरफोन्स यूज़ करते हैं, जो भी आइटम्स आपको आपके फ़ोन के रिलेटेड चाहिए होंगी, पावर बैंक हो गया या कोई भी आइटम, तो आप उसको अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके ही आप ये चीज़ें जो हैं वो नहीं बाय कर पाएंगे, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आपके साथ हमेशा ही चाहिए रहती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैसों के ऊपर, तो पैसे आप ज़रूर अपने साथ लेके जाइएगा, कैनेडियन डॉलर्स कन्वर्ट करके यहाँ से ही लेके जाइएगा, सो दैट आपको जाते ही वहाँ पे जो है वो पैसे कन्वर्ट करवाने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं आए। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि मोर देन 2000 डॉलर तो आप अपने पास रखिएगा ही, अगर आपका वहाँ पे कोई लोन नहीं है तो। नेक्स्ट इससे आगे आपने जो है हाइजीन किट अपने पास रखनी है, जिसमें आप डेटोल रख सकते हैं या कोई भी ऐसी आइटम जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो हाइजीन किट अपने पास जो है वो ज़रूर रखिएगा। कभी भी छोटी चोट लग जाती है या कभी भी आपको एमरजेंसी में कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो आपके पास वो होनी चाहिए, क्योंकि आप एकदम से जो है वो बाहर लेने नहीं जा पाते कुछ चीज़ें। नेक्स्ट वाटर बॉटल आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, वो आप अपने पास ज़रूर रखिएगा, और ध्यान रखिएगा जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आप पानी जो है वो भर के नहीं लेके जाएंगे उसमें, बट आप इनसाइड एयरपोर्ट के अंदर जाके जो है अपनी बॉटल में पानी भर सकते हैं। कभी भी आपको वहाँ आप रुके हैं आपको पानी पीना है तो ये चीज़ आपके काफ़ी जो है वो हेल्प करेगी। नेक्स्ट आगे हम आ जाते हैं क्लोथ्स के ऊपर, तो क्लोथ्स में आपको सबसे पहले जो चाहिए रहेगी, अगर आप विंटर की बात करें तो आपको विंटर कैप्स चाहिए रहेगी, बिकॉज वहाँ पे जो है सर्दी जल्दी लगने का जो है वो डर रहता है, क्योंकि इंडिया में जो इन्वायरमेंट है वो अलग होता है, वहाँ का वेदर थोड़ा अलग है, तो आप अपने पास जो है वो दो कैप्स एटलीस्ट रखिएगा। समटाइम एक कैप जो होती है वो स्नो के कारण गीली हो जाती है या कुछ भी आप उसको धो नहीं पाए हो या मिसप्लेस हो गई है, तो आपके पास जो है एक एक्स्ट्रा कैप होनी चाहिए, तो दो मैं रिकमेंड करूँगी, दो ज़रूर रखिएगा। प्लस अगर आप समर्स के लिए नॉर्मल जो है कैप्स पहनते हैं तो आप वो भी अपने साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आती हूँ स्वेट शर्ट्स के ऊपर, तो सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में जितनी मोटी स्वेट शर्ट हो आप उसको ज़रूर लेके जाइएगा। गर्ल्स को भी और बॉयज़ को भी मैं रिकमेंड करूँगी कि 4 to 5 जो शर्ट्स है अपने पास स्वेट शर्ट्स ज़रूर रखिएगा, हुडी रखिएगा, तो ये आप ज़रूर कैरी कीजिएगा। और समर के लिए भी आप 4 to 5 पेयर्स जो है वो कैरी कर सकते हैं, और दोनों ही सीजन्स में ब्लैक कलर ज़रूर एक रखिएगा, बिकॉज कुछ जॉब्स में जो है वो ब्लैक कलर जो है वो नेसेसरी होता है पहनने के लिए, तो आपके पास अगर वो होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आइटम आप अपने पास मफरल रखिएगा। मफरल की ज़रूरत जो है वो सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा आपको ज़रूरत हो सकती है, बिकॉज जैसे जाते ही हम कोई गाड़ी या ऐसा नहीं ले पाते हैं तो हमें ट्रांजिट्स में जाना पड़ता है, तो उस केस में हमारे पास मफरल होना चाहिए सो दैट हम अपने आप को वार्म रख सकें। उसके बाद हम मूव करते हैं स्वेटर्स के ऊपर। अगर आप स्वेटर्स पहनते हैं तो आप स्वेटर्स जो है वो 1 से 2 कैरी कर सकते हैं, अगर आप नहीं पहनते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे जीन्स के ऊपर, तो
आप अपने साथ जो है जीन्स जरूर लेके जाएगा, एटलीस्ट 4 to 5 pairs जीन्स जरूर लेके जाएगा, क्योंकि सर्दियों में ऐसे रहता है कि जीन्स जो होती हैं गीली हो जाती हैं, कभी हम स्लिप हो गए, गिर गए, या फिर हम नहीं धो पाए जीन्स को अपनी को, तो 4 to 5 pairs जो है वो जीन्स के रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। इसमें आप जो है पजामास भी रख सकते हो अपने, जितने मोटे आप कपड़े लेके जा सकते हो सर्दियों के लिए, उतने मोटे आप जो है जीन्स या फिर जो पजामास हैं वो लेके जा सकते हो। सो 1 से 2 पजामास जो है वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है वो है थर्मल वियर। तो मैं गर्ल्स को भी और बॉयज़ को दोनों को बोलूँगी कि आप थर्मल वियर अपने ज़रूर साथ रखिएगा, एटलीस्ट 3 to 4 pairs अपने साथ रखिएगा। बाकी डिपेंड करता है, कुछ लोग ज़्यादा सर्दी महसूस करते हैं, कुछ लोगों को 3 to 4 pairs इनफ रहते हैं, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है वो थर्मल वियर जो है वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कैनेडा में क्या रहता है कि आप कपड़े जो होते हैं वो जल्दी नहीं धो पाते हैं, तो आपको वीक में एक बार लॉन्ड्री का टाइम लगता है, क्योंकि आप जॉब करते होते हैं, बिजी जो रहता है स्केड्यूल रहता है आपका। सो आप अपने पास जो है एटलीस्ट मिनिमम 4 pair तो जरूर ही कैरी कीजिएगा। नेक्स्ट आइटम जो है वो है नाइट वियर्स की। तो आप 2 विंटर्स के नाइट वियर, 2 समर्स के नाइट वियर जो है वो अपने साथ कैरी कीजिएगा। प्लस अगर आप समर्स में शॉर्ट्स पहनते हैं या फिर घर पे हीटिंग लगी हुई, तो सर्दियों में भी आप शॉर्ट्स पहनना चाहते हैं, तो आप 2 to 3 pair जो है वो शॉर्ट्स भी जो है वो अपने साथ लेके जा सकते हैं कैनेडा में। नेक्स्ट अगर आप हैंकीज यूज़ करते हैं तो आप अपने साथ हैंकीज भी रखिएगा, 4 to 5 pairs आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं रखते, 1 तो 2 हैंकीज जो है वो ज़रूर रखिएगा, कभी भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है सर्दी के कारण जिसमें आपको हैंकी चाहिए होता है, तो 1 से 2 हैंकी हमारे पास हो तो वो ठीक रहते हैं, तो वो आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा। प्लस आप अपने साथ जो है वो टॉवल जरूर लेके जाइएगा। टॉवल आपके पास, एक तो जो बाथरूम टॉवल है वो होना चाहिए, प्लस एक छोटा टॉवल भी आप अपने साथ रखिएगा, जिससे हम अपने जो है वो हाथ जो है वो सोख सके, या फिर हम उसको जो है अपने बाथरूम में यूज कर सके। कभी भी हम जैसे हैंड वॉश करते हैं तो हमें हमारे बड़े टॉवल्स जो है वो यूज ना करने पड़े, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप एक बड़ा टॉवल जो बाथिंग टॉवल होता है और एक जैसे हाथ पोछने वाला टॉवल होता है वो जरूर साथ में लेके जाइएगा। उसके बाद मैं मूव करूंगी जैकेट्स के ऊपर। तो आप जैकेट्स लेके जानी जो है इंडिया से अवॉइड कीजिएगा, आप एक जो जैकेट जो भी मोटी वाली पहन के जाएंगे बस वही पहन के जाइएगा, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ठंडा है, तो इंडिया के जो जैकेट्स हैं वो वहाँ पर नहीं चल पाती हैं। तो अब मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप जो जैकेट है वो वहीं पर ही जाके परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉक्सेस के ऊपर। तो जो सॉक्स हैं, जो समर की सॉक्स रहेंगी, कॉटन की या कोई भी जो सॉक्स है वो प्रेफर करते हैं, तो आप एटलीस्ट 4 to 5 pair समर की सॉक्स के लेके जाइएगा। प्लस विंटर की मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जैसे रैबिट वूल में जो सॉक्स आती हैं, तो वो 4 to 5 pair जो है वो अपने साथ रखिएगा, सो दैट आपको वहाँ के विंटर्स में जो है वो प्रॉब्लम ना आए। और गर्ल्स जैसे ट्रांसपेरेंट सॉक्स पहनती हैं, तो 1 से 2 pair वो सॉक्स के अपने साथ ट्रांसपेरेंट रख सकती हैं, कभी अगर उनको समर्स में ड्रेसेस के साथ पहननी रहती हैं तो उनको उनके पास अवेलेबिलिटी होगी चीज़ों की। प्लस आप अपने साथ जो है अपनी बेल्ट रख सकते हैं, अगर आप बेल्ट पहनते हैं तो 1 से 2 बेल्ट आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, और अगर आप बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे शूज़ के ऊपर। तो शूज़ आप अपने साथ, आपकी प्रेफरेंस है, आप जितने भी शूज़ पहनते हो आप रख सकते हो गर्मियों के सर्दियों के, बट फ्लिप फ्लॉप्स अपने साथ ज़रूर रखिएगा, चप्पल होनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि घर के अंदर तो आप वही पहनते हैं, बाहर चाहे आप दूसरे शूज़ पहने। और विंटर के शूज़ यहाँ से लेके जाने अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि विंटर के जो शूज़ होते हैं वो आप कैनेडा से ही बाय करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ के जो शूज़ रहते हैं वो उसी की विंटर के, कैनेडा की विंटर के अकॉर्डिंग बनाए गए होते हैं, तो आप जो शूज है वो वहीं से ही जाके परचेज कीजिएगा। नेक्स्ट आइटम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है ऑप्टिकल ग्लासेस। जिनको ऑप्टिकल ग्लासेस जो है वो लगी हुई है, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप अपने 2 pair ऑप्टिकल ग्लासेस के जरूर बनवा के लेके जाइएगा, क्योंकि कनाडा में जो ऑप्टिकल ग्लासेस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है, तो अगर आप यहीं से ही अपने 2 pairs बनवा के लेके जाएंगे, तो अगर इनकेस 1 pair टूट भी जाता है तो आपके पास स्पेयर 1 pair होगा, बट अगर आप वहाँ से बनवाओगे तो जैसे मैंने रिसर्च की है तो वो उससे $500 से $600 लग जाते हैं, तो वो इंडिया के कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो आप अपने 2 pair जरूर अपने पास रखिएगा। प्लस अगर आप सनग्लासेस लगाते हैं तो आप अपने सनग्लासेस भी साथ में जो है वो कैरी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट और आइटम है वो है यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स के ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो यूटेंसिल्स हैं वो चाहिए, तो
आप अपने यूटेंसिल जो है वो उनके अकॉर्डिंग जो है वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने साथ बॉडी लोशन हो गया, क्रीम्स हो गया या बाथिंग सोप हो गया, ऐसी जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं चाहे वो मेकअप किट है, अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिएगा। वो आप यहीं से ही बाय करके अपने साथ ले जाइएगा, सो दैट आपको इनिशियल डेज में ही जाके वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो कोल्ड क्रीम्स अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा, और अगर आप समर में जा रहे हैं तो सनस्क्रीन सोल्यूशन आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे सनबर्न का बहुत ही ज़्यादा जो है वो खतरा रहता है। तो क्योंकि इंडिया में तो इतना सनबर्न नहीं होता है बट वहाँ पे हो जाता है, तो ज़रूर अपने साथ सनस्क्रीन लोशन रखिएगा। नेक्स्ट अगर आप परफ्यूम्स लगाते हैं तो अपने साथ परफ्यूम की जो बॉटल्स हैं वो भी कैरी कर सकते हैं, प्रेफर एक बॉटल कैरी कर लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करते हो तो आप अपने नीड और लगेज के वेट के हिसाब से अपनी जो बॉटल्स हैं वो साथ में लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम आपको जो चाहिए रहेगी वो चाहिए रहेगी आपकी बेडशीट्स। सो दो बेडशीट्स यहाँ से जरूर लेके जाइएगा, साथ में उनके पिलो कवर्स, सो दैट आपको वहाँ पे जाके परचेज ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ की बेडशीट्स की क्वालिटी वहाँ की बेडशीट से अच्छी रहती है। क्वालिटी तो आपको वहाँ पे भी मिल जाती है बट जो यहाँ पे क्वालिटी आपको मिलती है अगर आप सिमिलर क्वालिटी वहाँ लेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वो आप यहीं से ही लेके जाइएगा। प्लस जैसे आपके लगेज में काफ़ी सामान रहता है तो आप कोई भी रजाई हो गई या फिर कोई भी ब्लैंकेट होगी वो आप यहाँ से मत लेके जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो आप वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि वो आप वहीं से ही बाय कीजिएगा। नेक्स्ट जो आइटम है वो सीजर, सीजर आप अपने साथ ज़रूर रखिएगा, कभी भी जो है वो सीजर की ज़रूरत पड़ सकती है कोई भी लगेज आइटम के लिए, या फिर आपको कोई भी आप पैकिंग का सामान लेके आए हैं जिसके लिए आपको सीजर रिक्वायर्ड है तो आपको उसके लिए सीजर चाहिए रहेगी, तो आप अपने साथ जो है वो ज़रूर इसको कैरी कीजिएगा। और जो लास्ट आइटम है जो रहता है सुई धागा वो ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि कभी भी जैसे आपके क्लोथ्स के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, फट जाते हैं या कुछ भी रहते हैं, तो वहाँ पे आपको टेलर सर्विस जैसे आपको नहीं पता है जहाँ करेगी कहाँ से करवानी है या वो एक्सपेंसिव है, तो आपके पास अगर वो रहेगा सुई धागा तो आप इजीली जो है उसको यूज़ कर पाएंगे। तो ये आइटम जो है वो अपने पास ज़रूर रखिएगा, बाकी जितनी भी आइटम्स है वो ऑप्शनल है, जैसे कॉपीज हो गई, डायरीज होगी, जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए रहेगा तो वो सारी आइटम्स ऑप्शनल है। तो वो मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि अगर आपके पास वेट है तो आप ले जाइए, अगर नहीं है तो वो चीज़ें आप कैनेडा जाके भी ले सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर जो है आपको लैपटॉप आपके कोर्स में रिक्वायर्ड रहेगा आप ले जाइएगा, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है तो वो भी आप यहाँ से मत लेके जाइएगा, अगर आपको नीड नहीं है वो भी आप जो है वो वहाँ से ही बाय कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल द कनेडियन टॉक्स पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली समय निकाल के आपकी क्वेरी का जो है वो आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।